फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंडी नीटर्स। आज हम बनाएंगे ये सुंदर सा छोटा सा फ्लावर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। इसको हम किसी भी ड्रेस में लगा सकते हैं, इसको जोड़ के जैकेट भी बना सकते हैं, कैप में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम 8 चेन ले लेंगे, तो धागा बड़ा हो तो काट लेंगे। 2, 4, 5, 6, 7, 8 चेन ले लिया हमने। इसको हम ऐसे करके जॉइंट करेंगे, पहले जॉइन कर लेंगे इसको। देखिए इसके बाद ये देखिए अंदर ही डाल देंगे, जैसे धागा 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। देखिए 4 डबल क्रोशे बना लिए हमने। हम इसको करके 5-6 भी बना सकते हैं हम इसको, ऐसे करके इसको ऐसे हमने 4 बनाए हैं। ऐसे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो साइज़ के हिसाब से। इसको ऐसे करके धागे चढ़ा के इसको बांध देंगे, जिससे पत्ती की तरह लगेगा। देखिए फिर हम एक चेन लेंगे, फिर 4 डबल क्रोशिए, 2, 3, 4। ये देखिए इसको स्टेप हम बांध देंगे तो ये पत्ती की तरह लगेगा। देखिए 1 चेन 1, 2, 3, 4 4 डबल क्रोशे हो गए। इसको बांध देंगे इधर, देखिए इनकी शेप ऐसे पत्ती की जैसे आ जाती है। देखिए सर्कल में हम पत्ती कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चेन 1, 2, 3, 4 देखिए 4। इसके बाद इसको ऐसे फिर बांध देंगे। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट है। हम फूल को छोटा बड़ा अपने हिसाब से, पैटर्न्स भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे इसको से बांध दिया, इसको हम पीछे भी बांध देंगे ऐसे, जैसे कि ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में ऐसे दिखेगा, इसको यहाँ से हम इस करके बांध देंगे। अब इसको हम टर्न कर लेंगे, बैक साइड है। अब ये देखिए ऐसे दिखेगा ये। अब इसको हम अगली रो बनाने के लिए 1-2 चेन लेंगे। और ये देखिए ये इधर ये ऊपर है, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि थोड़ा नीचे रखेंगे हम, जिससे कि ये हमारा ऊपर उठा उठा नहीं दिखाई देगा। इसके अंदर हम ऐसे पीछे के जो स्टिचेस हैं इनके अंदर ऐसे धीरे धीरे ऐसे चेन को ऐसे लूप्स बनाते जाएंगे अगली लाइन बनाने के लिए। 2 ये हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, दूर पास भी कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा बड़ा फ्लावर बनाना है तो ये चेन्स को हम 2 की जगह 3 लेके इसमें एक्स्ट्रा स्टिच डाल देंगे। ये देखिए ऐसे पीछे से जितने 2-2 चेन लेके इसको ऐसे कंप्लीट कर लेंगे सर्कल को। ये देखिए 2 चेन ऐसे देख लेंगे इधर से, जहाँ पे ऐसे आता है ऐसे अंदाजे से। ये देखिए ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 में ही डालेंगे, 3 में
इस चेन बना के ऐसे हम अपना ऐसे करके देखिए लूप से बना के ये सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया है। काउंट करके भी चेन्स ले सकते हैं कि हमें इतने ही पैटर्न बनानी है, और अगर हमें हमें बहुत सारी बनाने हैं ऐसे तो हम काउंट करके लेंगे जिससे हमारे साइज़ सेम आएंगे। सिंगल बनाना है तो फ्रेंड्स ये देखिए इसको हम इसे ज्वाइन कर देंगे लास्ट वाली चेन में, थोड़ा सा ये इधर दिखेगा इसके अंदर करके इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये हमारा हो गया ज्वाइन, ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। देखिए ये ऐसा दिखिएगा। अच्छा अब इसको हम टर्न करेंगे वापस, ये धागा कट कर देंगे या फिर बाद में कट कर लेंगे। ये देखिए ये जो चेन बनाई थी ये लूप्स हैं हमारे, इनके अंदर 6 डबल क्रोशे करके थर्ड लूप के अंदर डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 इसको फिर ये ऐसे बांध देंगे पत्ती को। ये देखिए ऐसे पत्ती बन जाएंगी, फिर 6 ये देखिए 2 3 4 5 ये 6 और फिर चेन, फिर 6 मतलब ऐसे पीछे से हर लूप के अंदर डाल देंगे। ये देखिए 2 3 4 5 6 फिर ये ऐसे बांध देंगे इसको चेन, फिर ये चेन, फिर ये पीछे से ये देखिए ऐसे करके हमने अपने पूरे सर्कल को हर लूप में डालते हुए 6 चेन डबल क्रोशे की बनाएंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे सर्कल को पूरा करके। हमारा ये अगर हम ये फूल अगर हमें छोटा करना है तो इसको हम पीछे से काउंट करके चेन ले सकते हैं, जैसे 5 4 अपने उससे। अगर हमें किसी भी साइज़ का चाहिए तो हम बिना काउंट किए ले सकते हैं। इस करके हमने इसको सर्कल को इसे बांधते हैं तो फिर ये पेटल बन जाती है। देखिए ये इधर पीछे लूप बनाए हमने, उसमें ऐसे डाल पूरे लूप हम फिल कर देंगे 6 डबल क्रोशे बना के इसे करके। फ्रेंड्स फ्लावर को हम छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, और जैसे हमें अगर छोटा फ्लावर चाहिए तो हम यहीं पे इसको बंद कर देंगे। ये देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गया है। ये ऐसे करके हमने इसको ऐसे कर दिया, ये लास्ट में हमने
छः बना के इसको ऐसे बंद कर देंगे हम। ये देखिए हमारी ऐसे बन जाएगी। इसको ऐसे करके हम इसको यहाँ पे पीछे की साइड, ये देखिए ये ऐसे लूप होता है, हर एक में आता है, इसको बिना चेन के ऐसे करके इसको बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं। इससे मैंने थर्ड रो भी कंप्लीट करी है। इसको ऐसे करके हमें जितना भी बनाना फ्रेंड्स, ये देखिए छोटा बड़ा करना है तो हम और पीछे फिर ऐसे जितना बड़ा बनाना है उसमें दो चेन तीन चेन करके हम इसको ऐसे देखिए ऐसे हम इसको देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे चेन बना के हम इसको सर्कल को ऐसे मुझे और बड़ा बनाना है, इसलिए इसको हमने धागे को कटने की है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बड़ा है थोड़ा सा। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।